सभी को नमस्कार और स्वागत करना चाहूँगा अरुण भूमि न्यूज़ चैनल पे। आज हम आपको एक बहुत ही दुखी खबर सुनाने जा रहा है। आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकता है जो आग लगने के कारण से कई घर जो है जलकर राख हो चुका है। कल इस जगह से जो है आग जो है लगना शुरू हुआ, तो उसके बाद अब इस तरफ भी आप देख सकते हैं जो वाल के इस पार और उस पार पे पांच छह घर का जो है आग जलकर जो है राख कर दिया गया है। तो ऐसे ही मौसम में जो है आग लगने की संभावना बहुत होते हैं। तो दापरजों में ऐसे सिलसिला बहुत होते हैं जो गर्मी के मौसम में कॉलोनी कॉलोनी में जो है आग लगने का जो खबर जो है कई बार सुनने को मिलता है। तो इस सीज़न का जो है गर्मी के मौसम में ये पहली बार हुआ है यहाँ पे जो आग लगी है। तो आग लगने का कारण जो है एग्जैक्टली कोई भी पता नहीं है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बिजली के स्पार्किंग और बिजली के कारण से यहाँ पे आग लगी और यहाँ के पांच छह घर को जो है नष्ट कर दिया। तो आज मैं ये खबरें इसीलिए चला रहा हूँ जैसे कि आप घर जलने का खबर अरुणाचल में गर्मी के मौसम में कई जगह पे आपको सुनने को मिलता है। तो मेरा यही कहना है और मैं यही चाहता हूँ कि जो जो हमें देख रहे हैं अरुण भूमि के सभी व्यूअर से मैं सतर्क रहने की जो है खबरें चला रहा हूँ, जैसे कि ऐसे गर्मी के मौसम में हर किसी को सतर्क रहना चाहिए। ऐसे अनहोनी हादसा आपके घर में भी हो सकता है, तो इसीलिए जो है सतर्क रहना चाहिए। स्पेशली जो हमारे अरुणाचल में बम्बू से घर बनाया जाता है, कोई जैसे कि पट्टा जो लोकल पट्टा जो छत लोकल पट्टा से जो है छत बनाया जाता है, ऐसे घरों में जो है बहुत सा कतरा मंडराते हैं। तो ऐसे हादसा दोबारा ना हो इसीलिए मैं आप सब के लिए खबरें चला रहा हूँ। तो अपर सुबनसिरी में फायर एक्सीडेंट का केसेस जो है बहुत आते हैं। तो स्पेशली मैं अपर सुबनसिरी के जनता से भी मैं अपील करता हूँ, अपने आप में सतर्क रहिए। इस मौसम में हादसा किसी के भी घर पे हो सकता है। अगर एक घर पे भी होते हैं तो आपके आसपास के लोग जो है असर होते हैं। तो ऐसे में जो है बहुत सतर्क रहना चाहिए। और बिजली का जो बात करता है इसमें भी बहुत सा संभावना निकलते हैं जो बिजली के द्वारा जो है आग लगना ऐसे केसेस आ सकता है। तो अपने घर के जो बिजली वायरिंग है उसको भी अच्छा से जांच पड़ताल कीजिए और सही ढंग का सही वायरिंग जो है अच्छा से चेक करके जो है आप लोग बनवाना चाहिए, ताकि आपका घर में जो ऐसे हादसा ना हो। जब ऐसे हादसा होता है तो बहुत सा प्रॉपर्टी लॉस होता है, आपका समय के साथ साथ समय भी लॉस होते हैं, उसके साथ साथ जो है आपका बहुत सा प्रॉपर्टी लॉस होता है। जैसे कि आप हमारे बीच देख सकते हैं फ्रिज है, बर्तन ताल है जो अपने निजी मामले में इस्तेमाल करता है, कई ऐसे जो यूटेंसिल्स जो है आपका जो है बर्बाद हो जाता। तो ऐसे में जो है इस यहाँ पे जितने भी आग से जो है जो भी पीड़ित हुए हैं उस परिवार के लिए जो है मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एवं जो है डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर मैनेजमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे परिवार को जो है एक रिलीफ के तौर पे फंडिंग कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा, ताकि इस दुखद घटना में थोड़ा सा जो है राहत मिले। तो राहत कार्य जो चलाते हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि पीड़ित परिवार को जो है थोड़ा
सही और जल्द से जल्द जो है एक राहत का मुआवजा के तौर पे थोड़ा सहयोग कीजिए, ये मेरा अनुरोध रहेगा। और अंत में मैं बार बार कहूँ, इस मौसम में सब लोग जो है सतर्क रहिए, ऐसे हादसा से बचिए ताकि आपका नुकसान ना हो। तो इन चंद शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा।